three rods made of the same material and having the same cross section have been joined as shown in the figure. Each rod is of the same length as well. Length is same, same cross section, same material. The left and right ends are kept at 0 degree Celsius and 90 degree Celsius respectively. The temperature of the junction of the three rods will be. It's a good question. Suppose the temperature is T. Heat energy flowing at a rate of suppose Q per unit time. So it will be Q by 2. It will be Q by 2. और जो भी energy flow होगी higher से lower temperature पर होगी. तो higher temperature इधर है. इधर से Q by 2 आएगा. इधर से Q by 2 heat flow होगा. दोनों का sum यहाँ से Q इधर होगा. तो apply करते हैं law of conductivity का. K is the thermal conductivity. Area of cross section is A. Temperature difference is T minus 0, that is obviously T minus 0 upon length, suppose it is L. So this is Ka theta 1 minus theta 2 by D, that is the Q by T, heat flow per unit time ले रहे हम. तो Q by T, T को 1 second लेना चाहिए यहाँ पर, और कुछ फर्क नहीं पड़ता, unit से such कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल यह value same होना चाहिए. Rate of flow आप कुछ भी लिख दीजिए, R लिख दीजिए, Q लिख दीजिए, Q by T लिख दीजिए, anything. यहाँ पर Q by 2 के लिए equation लिखते हैं, Q by 2 T लिख देते हैं यहाँ पर, Ka temperature difference 90 minus T divided by L. अब Ka by 2 की value, Ka by L की value in fact. Ka by L की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, Ka by L की वैल्यू होगी Q by T also by T. तो यह हो जाएगा 90 minus T divide by T into Q by T. यहां से आप देखिए यह हो गया 1 by 2 क्योंकि Q by T कैंसिल कर दिया आपने यहां से. 1 by 2 is equal to 90 minus T by T. 90 minus T by T, Q by T कैंसिल होगा. This is 1 by 2 is that. So it is. T is equal to 2 into 90, that is 180 minus 2T. So 3T is 180, so T is 60 Celsius. 3T is 180, so T is 60 degree Celsius. So it's a good question, easy question. तो आइए आगे देखते हम. JEE 2002 की ये problem देख रहे हम. An ideal black body at room temperature is thrown into a furnace. It is observed that initially it is at the darkest body and later times it is the brightest. It is the darkest body all the time. It cannot be distinguished at all the time. Initially it is the darkest body and later time it cannot be distinguished. Furnace mein aapne black body ko throw kar diya. Black body absorb karegi radiation. तो इनिशियली तो वो डार्क होगी क्योंकि रेडिएशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी वो. जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा रेडिएशन भी स्टार्ट करेगी. तो एनर्जी रेडिएट जब करना चालू कर देगी तो उसका टेम्परेचर जब फर्नेस के इक्वल हो जाएगा तो जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी उतना रेडिएशन एमिट भी करेगी. तो उस इंस्टेंट पर फर्नेस की तरह ही वो ब्राइट हो जाएगी. लेटर टाइम द ब्राइटेस्ट. ब्लैक बॉडी है आइडियल तो ब्राइटेस्ट इसलिए होगी कि वह सभी तरह के रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी और सभी तरह के रेडिएशन अच्छे से इमिट भी करेगी. तो इसका मतलब आंसर ए इज करेक्ट. इनिशियली इट इज द डार्केस्ट बॉडी एंड एट लेटर टाइम्स इज द ब्राइटेस्ट. ब्लैक बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है. आइडियल ब्लैक बॉडी हो गई है तो और अच्छे से सब काम होगा उसमें. लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. JEE 2003 की ये सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं हम. द ग्राफ शोन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर टी ऑफ द बॉडीज एक्स एंड वाई हैविंग सेम सरफेस एरिया विद द टाइम टी. सरफेस एरिया सेम है, इनिशियल टेम्परेचर ऑब्वियसली सेम है और टेम्परेचर के साथ टाइम का डायग्राम है. ड्यू टू इमिशन ऑफ रेडिएशन फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एमिसिविटी एंड अब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ द टू बॉडीज विद द टाइम. Temperature will reduce
और हम देख रहे हैं एक्स बॉडी के लिए टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है जल्दी, जबकि वाई बॉडी के लिए टेम्परेचर स्लोली रिड्यूस हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है और टेम्परेचर उतना रिड्यूस नहीं हुआ जितना ही फर्स्ट केस में एक्स के केस में हुआ है। रेडियंस क्या होती है? रेडियंस होता है सिग्मा एरिया एप्सिलॉन टेम्परेचर टू द पावर 4। सिग्मा इज कॉन्स्टेंट फॉर बोथ द बॉडीज, टेम्परेचर इनिशियल सेम है, एरिया ऑलरेडी गिवन सेम है, इसका मतलब इमिसिविटी दोनों की डिफरेंट है, क्योंकि ये जल्दी कूल हो गया, इसकी रेडियंस ज्यादा थी जल्दी कूल हो गया, इसका मतलब इमिसिविटी एक्स की ज्यादा थी। ई एक्स इज ग्रेटर देन ई वाई, ई एक्स इज ग्रेटर देन ई वाई, दिस टू ऑप्शन आर रॉन्ग। वाइल जिसकी इमिसिविटी ज्यादा होती है उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होती ही है, यह तो किरचॉफ लॉ है, यह उल्टा आंसर हो जाएगा, यहां आप देखिए ग्रेटर है यहां लेस है, इसलिए दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। इमिसिविटी अगर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगी किसी भी बॉडी के लिए, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। तो आइए आगे देखते हैं हम जे 2004 की प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली टू टू वेसल्स, वन कंटेनिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अदर कंटेनिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इन द सेकेंड केस द रॉड्स आर जॉइंट एंड टू एंड एंड देन एंड कनेक्टेड टू द सेम वेसल। टू रॉड्स आर देयर, फर्स्ट टाइम में हम उन्हें पैरेलली कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली मतलब दोनों को पैरेलली लगाते हैं। टू वेसल्स, दीज आर वेसल्स, वन कंटेनिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अदर एट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इन द सेकेंड केस द रॉड्स आर जॉइन एंड टू एंड एंड कनेक्टेड टू द सेम वेसल्स। सेकेंड केस में एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है रॉड्स को और 0 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। लेट Q1 एंड Q2 ग्राम्स पर सेकेंड बी द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इन द टू केसेस रेस्पेक्टिवली। इस केस में Q1 हीट फ्लो हो रही है, जो Q1 आइस मेल्ट हो रही है पर यूनिट टाइम, Q1 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है पर यूनिट टाइम, और इस केस में Q2 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है पर यूनिट टाइम। द रेशियो Q1 अपॉन Q2 इज, हम रॉड्स के लिए डिफरेंट पैरामीटर सेट कर लेते हैं। K इज द कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ रॉड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सपोज A फॉर ईच ऑफ द रॉड। नाउ Q1 इज प्रोपोर्शनल टू हीट फ्लो इन द फर्स्ट केस, दैट इज सपोज Q1, सो Q1 इज प्रोपोर्शनल टू Q1, दैट इज इक्वल टू K। एरिया इज नाउ टू बिकॉज टू टाइम्स द एरिया, बिकॉज दो रॉड्स पैरेलल में है तो ट्वाइस द एरिया हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस इज 100 के ए, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय द लेंथ, लेंथ इज एल ऑब्वियसली, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड सिंपली Q2 इज प्रोपोर्शनल टू Q2 विच इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यहां टाइम नहीं लिख रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोल रहा हूं मैं Q2 को। K थर्मल कंडक्टिविटी है, एरिया A है, टेम्परेचर डिफरेंस 100 है और लेंथ यहां पर 2L है। सो यू कैन सी इजीली Q1 अपॉन Q2 क्या होगा, Q1 अपॉन Q2 इज द रेशियो ऑफ Q1 अपॉन Q2, कैपिटल Q1 अपॉन Q2, दैट इज K A 1000 बाय L। यदि हम कैंसिल कर देते हैं तो यहां पर 2 होगा, K 100 by L कैंसिल कर देते हैं दोनों जगह से, तो यहां 1/2 होगा, दैट इज सिंपली 4, सो इट इज 4:1, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली सीधे आप आंसर दे सकते थे क्योंकि रेजिस्टेंस 2R है इस केस में और इस केस में रेजिस्टेंस R/2 है, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है इस केस में, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट 4 टाइम्स कम हो जाएगा, तो आइस मेल्टिंग भी 4 टाइम्स कम हो जाएगा। So ratio is 4/1, that simple। जहां तक मैं जानता हूं, अगर अच्छे स्टूडेंट है तो आप इतना सब करने की जरूरत नहीं होती, वो आंसर सीधे पढ़ने बिना ही पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़े हैं उसी उसके पहले ही बता लेते हैं कि आंसर 4/1।